ये खबर बिल्कुल सच है। दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की टीम के पास इस वक्त खाने के भी पैसे नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम नेशनल टीम की बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम की। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को पैसों की तंगी से जूझना पड़ रहा है। अंडर 19 टीम को अपने दैनिक भत्ते के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। टीम के क्रिकेटर्स, स्टाफ और कोच राहुल द्रविड़ को अभी तक दैनिक भत्ता नहीं मिल पा रहा है। पैसे ना मिलने के कारण पूरी टीम को लगभग 15 दिन अपने दैनिक भत्ते के बिना ही गुजारा करना पड़ा। टीम के खिलाड़ियों को 6,800 रुपए का दैनिक भत्ता मिलता है। टीम होटल में तो ठहरी, लेकिन उसे डिनर का बंदोबस्त बोर्ड के पैसों के बजाय अपने पैसों से ही करना पड़ा। अंडर 19 टीम के सदस्य ने कहा कि वो किसी तरह काम चला रहे हैं। मैच वाले दिन एक समय का खाना मेजबान की ओर से होता है, तो नाश्ता होटल में होता है। बस डिनर के दौरान ही परेशानी आती है। हम जिस होटल में ठहरे हुए हैं वहाँ पर एक सैंडविच भी 1500 रुपए का आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिलाड़ियों को सूचित किया गया है कि सभी भुगतान की अनुमति सचिव ही देते थे। उनके हटने के बाद से ही चेक पर साइन करने वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर एवं सचिव अजय शिर्के की भी छुट्टी कर दी थी, जिसके बाद अभी किसी व्यक्ति के पास फंड जारी करने का अधिकार नहीं है और पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी को दैनिक भत्तों के भुगतान की अनुमति दी हुई है, लेकिन ये सुविधा अंडर 19 टीम के लिए नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।